जेएनयू में फीस वृद्धि के मामले पर अब देश के तमाम यूनिवर्सिटी और जो छात्र संगठन है उनके छात्र सड़कों पर आ रहे हैं। हमारे साथ एबीवीपी के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो डीयू के और जेएनयू के दोनों छात्र हैं, छात्र संगठन है। और आप लोग क्या डिमांड करते हैं यहाँ जो जेएनयू वाला मामला उसको लेकर? जेएनयू में जो फीस वृद्धि गई है, एक साथ फीस वृद्धि हुई है, वहाँ पर आम छात्र इस फीस वृद्धि से परेशान है क्योंकि ग्रामीण परिवेश से लेकर हर तरह का छात्र वहाँ पढ़ने आता है। इस तरह से एक साथ इतनी फीस पे करना उनके लिए मुश्किल काम है, इसलिए विद्यार्थी परिषद डूसू ने जेएनयू के उन आम छात्रों के समर्थन में ये रैली निकालकर फीस वृद्धि को वापस करने के लिए एमएचआरडी तक हम आज प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या ये कहना अब सही रहेगा कि जो जेएनयू में फीस वृद्धि का मामला था, अब जैसे आप डीयू के लोग हैं, डीयू के एवीवीपी के विंग के लोग हैं, देश के और भी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट हैं, जो यूनियन है, वो आ रही हैं, सामने आ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो क्या अब ये पूरी लड़ाई पूरे देश में जो सस्ती शिक्षा है उसको लेकर हो रही है? देखिए, ये लड़ाई कोई पहली बार शुरू नहीं हुई है। विद्यार्थी परिषद ने इससे पहले भी कई प्रस्ताव पारित किए और विद्यार्थी परिषद शुरू से बात करती आ रही है कि सस्ती और सुलभ शिक्षा हर छात्रों को मिलनी चाहिए। वो डिमांड हमेशा रखते आए हैं और वर्तमान में भी एक मुद्दा, अभी जो एक साथ फीस में वृद्धि हुई है उसको लेकर ये मुद्दा उठा है और हर यूनिवर्सिटी में हर छात्र को शिक्षा लेने का अधिकार है, वो सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, एक साथ में स्त्री शिक्षा का वृद्धि नहीं करनी चाहिए फीस में, इसलिए विद्यार्थी परिषद डिमांड को रखे। तो जो और उस दिन जैसे जेएनयू के छात्रों ने जो संसद मार्च निकाला था, आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या हम ये भी देख सकते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र एक साथ अब सड़कों पर आएंगे, जैसे डीयू, जेएनयू और जो भी तमाम यूनिवर्सिटीज हैं? देखिए, उन जेएनयू ने जब मार्च निकाला था, जेएनयू एसयू ने मार्च निकाला था, तो उसके लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी उनसे बातचीत करने के लिए, जो कि कल थी और जो बेनतीजा रही है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से सस्ती शिक्षा के लिए पूरे देश भर में लड़ाई लड़ती आई है, आज से नहीं, जब 1949 में जब विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी तब से लेकर के आज तक 70 साल से विद्यार्थी परिषद सस्ती शिक्षा के लिए लड़ रही है और हम हमेशा लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहते हैं। विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, तो हमारे पास छात्रों की कमी नहीं है। अगर सड़क पे आना होगा तो विद्यार्थी परिषद अकेले भी आएगी और जब जरूरत पड़ेगा किसी के साथ आने का तो किसी के साथ भी आएगी। तो फिर जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है वो उस पार्टी से ताल्लुक रखता है जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कही जाती है और सत्ता में है, तो आप सीधे सीधे सरकार से क्या मांग करेंगे यहाँ पर, आप बताइए? जी, हमारा पहली बात तो सरकार से हमारा कोई, हम सिर्फ छात्र हितों के लड़ते हैं, हमारी सबसे पहली मांग यही है कि जेएनयू में जो फीस है उसे रोल बैक लिया जाए, अगर ये नहीं हो रहा है तो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको इस्तीफा दें। अपने यहाँ पर जो जेएनयू एसयू का जो प्रोटेस्ट था, फिर वो जेएनयू का प्रोटेस्ट बना, फिर वो देश के और यूनिवर्सिटीज़ का प्रोटेस्ट बना और आप एबीवीपी जो डीयू का, दिल्ली विश्वविद्यालय का एबीवीपी का विंग है छात्र संगठन का, और जेएनयू का, वो सामने आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जेएनयू में जो फीस वृद्धि की गई है उसे रोल बैक किया जाए और देश के छात्रों को सस्ती शिक्षा सरकार उपलब्ध कराए। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।